हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो में ट्यूलिप पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस पैंट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर कपड़े का यूज़ किया है। तो सबसे पहले कपड़े को हमें इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके इस प्रकार से हम इसको अच्छे से बिछा लेंगे। फोल्ड वाला साइड हम अपने साइड में रखेंगे इस तरीके से। उसके बाद जो हमारा फोल्ड वाला साइड है उसके एक कॉर्नर को पकड़ करके इस प्रकार से हमें फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करते समय हमें नीचे से कॉर्नर नहीं बनाना है। इस प्रकार हम 1.5 से 2 इंच ऊपर की तरफ ही रख करके इसको फोल्ड करेंगे। सेम इसी प्रकार से हम दूसरे वाले पल्ले को भी फोल्ड करेंगे और इसमें भी हम 1.5 से 2 इंच हम गैप रख देंगे नीचे के कॉर्नर से। और हमारा जो पहला फोल्ड वाला साइड है इस साइड में हमें 2 इंच गैप रखनी है। अगर आप थोड़े हेल्दी हैं तो यहाँ पे आप 3 इंच गैप रखें इन दोनों कपड़ों के बीच में। और उसके बाद हमें 3 इंच की दूरी पर इस प्रकार से मार्क करना है और इस मार्किंग से हम अपने लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी आपकी लेंथ है उतनी हम लेंथ की मार्किंग करेंगे और उसमें से हमारा जितना चौड़ा बेल्ट आएगा हम उतना बेल्ट माइनस कर देंगे। तो मेरा यहाँ पे 37 इंच है तो यहाँ पे मैं 36 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। और इस प्रकार से मार्किंग करने के बाद इसको हमें मिला देना है। इस सलवार में मेरा 1.5 इंच का बेल्ट आएगा इसलिए मैंने 36 इंच पे मार्किंग की है और इसमें मेरा 1/2 इंच स्टिचिंग मार्जिन है। अब इसके बाद हम आसन की मार्किंग करेंगे। नॉर्मली हम 12 इंच की दूरी पर आसन की मार्किंग करते हैं और इस सलवार में मेरा 1.5 इंच का बेल्ट है तो 1.5 इंच ऊपर की तरफ छोड़ करके हम 12 इंच की दूरी पर मार्किंग करेंगे। इसी प्रकार से आप बेल्ट की जितनी भी चौड़ी रखनी चाहती हैं चौड़ाई उतनी हम चौड़ाई ऊपर की तरफ रख देंगे टेप को। और उसके बाद 12 इंच की दूरी पर हम इसी प्रकार से मार्किंग कर देंगे। मार्किंग करने के बाद इस प्रकार से 1.5 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे और उसके बाद हम इस प्रकार से ऊपर की लाइन से हम इस प्रकार लाइन बना देंगे और यहाँ पर हमें आसन का शेप दे देना है। तो इस प्रकार से पैंट की मार्किंग हो चुकी है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस प्रकार से देखिए पैंट की कटिंग हो चुकी है। कटिंग करने के बाद इसका लुक कुछ इस प्रकार से आएगा। ये देखिए खोलने के बाद ये इस तरीके से आएगा और उसके बाद जो हमारा जॉइंट है उसको भी हमें इस तरह से कट करके अलग कर देना है। और इस प्रकार से ये हमारा एक पैर का हो जाएगा और सेम इसी प्रकार से ये हम दूसरे वाले पैर को भी बना देंगे। तो इसको हमें इस तरीके से पलट देना है, उसके बाद इसको इस प्रकार से हम फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से दोनों पैर की कटिंग हो चुकी है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ नीचे वाले कपड़े पर हम 10 इंच की दूरी पर मार्क करेंगे। 10 इंच की दूरी पर इस प्रकार से दोनों पैर में हम मार्क कर देंगे और मार्क करने के बाद यहाँ ऊपर की साइड से हम उस मार्किंग तक फोल्ड करके स्टिचिंग करेंगे। और उसके बाद स्टिचिंग करने के बाद हम इसके ऊपर से इस तरह से लेस लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरे वाले पैर के लिए भी करेंगे। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट हमें 1.5 इंच का निकालना है। तो इस प्रकार से ये मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है और इस पर मैं यहाँ से 2 से 2.5 इंच की दूरी पर मार्क कर रही हूँ। मार्क करने के बाद हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो कमर का हम दूसरा हिस्सा लेंगे यानी कि दूसरा भाग लेंगे। दूसरा भाग लेते हैं तो यहाँ पे 34 इंच है। 34 इंच का दूसरा भाग 70 इंच आएगा। 70 इंच पे मार्क कर दिया है और मैंने 5 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेकर के मार्किंग कर ली है। उसके बाद इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। खोलने के बाद ये देखिए कुछ इस प्रकार से है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पैंट के दोनों पैर के ऊपर वाले साइड को हम इस प्रकार से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। अंदर की साइड में हमें इसको फोल्ड करके स्टिच करना है और नीचे का जो कॉर्नर है हमारा इस प्रकार से यहाँ पे फोल्ड होके आ जाएगा। यहाँ पे हम उतना ही दूरी पर स्टिचिंग करेंगे जितनी दूरी पर हमने मार्किंग की थी यानी कि 10 इंच की दूरी पर। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया है और यहाँ नीचे की साइड से ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इसी तरह से हम दूसरे वाले मोहरी में भी स्टिच कर लेंगे और स्टिच करने के बाद इसके ऊपर हम लेस को स्टिच कर देंगे। तो जितनी दूरी पर हमने स्टिचिंग की है फोल्ड करके हमें उतनी ही दूरी तक लेस को स्टिच करना है। तो इस प्रकार से हम सीधी वाली साइड में लेस को रखेंगे और उसके अंदर वाले किनारे पर इस तरीके से स्टिच करेंगे। जो हमारा लेस का अंदर वाला किनारी है हमें उस साइड में स्टिच करना है और स्टिच करने के बाद इस तरीके से इसको हम
मोड़ देंगे उसके कॉर्नर से, और जहाँ तक हमने कपड़े को फोल्ड किया है वहीं तक हम इस तरीके से, तो इस प्रकार से मैंने इसको स्टिच कर लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा सिर्फ फोल्ड करके स्टिच किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने इस प्रकार से लेस को स्टिच कर लिया है। दोनों पार्ट में हमें लेस को स्टिच करने के बाद इसको इस प्रकार से फैला देना है, और आसन को हमें यहाँ से इस प्रकार से स्टिच कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद इतनी दूरी पर हम इसमें कट बना देंगे, और उसके बाद इसको हमें इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है। तो आसन को स्टिच करने के बाद ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद हमें लेस को उसके ऊपर ला करके अच्छे से इस प्रकार से फोल्ड कर देना है, और जो हमारा अंदर वाला पार्ट है उसको इस तरीके से रख करके इसमें स्टिच कर देना है। और यहाँ पे हम एक लाइन बना देंगे जिससे कि हमारी लेस इस पर स्टिच करने में आसानी हो। इस प्रकार से मार्क करने के बाद नीचे से हम 8 से 9 इंच की दूरी पर मार्क कर देंगे मोहरी के लिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको स्टिच कर लिया है इस प्रकार से, यहाँ पे आप देख सकती हैं। उसके बाद हम लेस को स्टिच कर देंगे, जो हमने लाइन बनाया हुआ है उसके पास से हमें इस प्रकार से लेस को रखते जाना है, और बाहरी वाली किनारी पर लेस के हमें स्टिच कर देना है। तो इस तरीके से हम इसको स्टिच कर देंगे, और नीचे हमने जो मार्किंग की थी मोहरी के लिए 8 से 9 इंच की दूरी पर, हमें वहीं तक ही इसको स्टिच करना है, यहाँ पर आप देख सकती हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पे पॉइंट पे पक्की सिलाई कर लेनी है। तो इस तरीके से देखिए, मैंने इसको स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद आसन को मिलाएंगे, और हम दोनों साइड में इस तरीके से सलवार में कट बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बेल्ट को स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद हम दोनों सिलाई को एक दूसरे के सामने रखेंगे, और दोनों के किनारी पर हमें इस प्रकार से बीच में कट बना लेना है। और उसके बाद हम पैंट की सिलाई और बेल्ट की सिलाई को हमें इस प्रकार से एक दूसरे के सामने रखना है, और जो हमने कट बनाया है वहीं तक हमें इस तरीके से पैंट में प्लेट्स डाल करके उसको स्टिच करके अटैच कर देना है। तो चलिए, अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये देखिए, ये हमारा दोनों बेल्ट में कट है, और इस कट को हम पैंट के कट से मिला करके उसको स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हमें दोनों सिलाई को इस प्रकार से मिला लेना है, बेल्ट की और पैंट की। उसके बाद 2 इंच की दूरी पर हम मार्क करेंगे, और फिर उस मार्किंग से हम प्लेट्स डालना शुरू करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको स्टिच कर देती हूँ, और बेल्ट की हम सीधी वाली साइड पर इस प्रकार से पैंट को हम रख करके इसमें प्लेट्स डाल रहे हैं। इस तरीके से हम इसमें प्लेट्स बनाते जाएंगे, और हम कट को देखते रहेंगे कि हमारा कट बेल्ट वाले कट पे आए। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे हमारा पैंट का कट और बेल्ट का कट एक दूसरे के सामने आ रहा है, और वहीं तक हमें इसमें प्लेट्स डालनी है। उसके बाद इसको स्टिच कर देना है। सेम इसी प्रकार से हम बैक साइड में भी करेंगे। तो बैक साइड में हम और इस तरह से पैंट के फ्रंट और बैक दोनों के प्लेट्स आसन की तरफ बनेंगे। प्लेट्स बनाते समय हम इस बात का ध्यान रखते रहेंगे कि हमारी जो सिलाई है वो सिलाई के ऊपर आए, और जो हमने कट बनाया है बेल्ट में और पैंट में वो दोनों कट हमारा कट पे आए। तो इस तरीके से देखिए, हम आसन की साइड में इस तरह से प्लेट्स बनाते जाएंगे, और सेम इसी प्रकार से हम दूसरे वाले पल्ले में भी करेंगे। इस प्रकार से पैंट में मैंने प्लेट्स बना दिया है, और दोनों के बीच की जो दूरी है, जो हमारा स्पेस है, उसको हम एक बराबर ही रखेंगे। इस तरीके से मैंने पैंट में बेल्ट को अटैच कर लिया है, और ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से आया है। अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक हमेशा कमर से 3 इंच कम लेना चाहिए। इस प्रकार से 31 इंच की दूरी पर मार करके मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद यहाँ पर मैं इसको जोड़ दे रही हूँ। उसके बाद बेल्ट को हमें इस प्रकार से इलास्टिक के ऊपर से लाना है। उसके बाद बेल्ट को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे हमें किनारी पर इस तरीके से सिलाई चलानी है। और सिलाई चलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी इलास्टिक इसमें ना स्टिच हो। इस तरीके से हम पूरे बेल्ट को स्टिच कर देंगे, और स्टिच करने के बाद इस तरीके से हम इलास्टिक को
थोड़ा सा खींच लेंगे जिससे कि हमारा कपड़ा आसानी से इस पर फोल्ड हो और इसको स्टिच करने में आसानी रहे। आप चाहे तो बेल्ट को पहले स्टिच कर लें उसके बाद इसमें इलास्टिक डालें। अगर आप बेल्ट को सिर्फ स्टिच कर रही हैं तो बेल्ट को स्टिच करते समय बीच में हम 2 इंच का एक जगह गैप रख देंगे जिससे कि हम इलास्टिक उसमें डाल सकें। उसके बाद इलास्टिक के दोनों किनारे को इस प्रकार से पकड़ करके स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद जो हमारा 2 इंच का गैप रहेगा उसको हमें अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच कर देना है। इस तरह से आप इलास्टिक लगाएंगे तो आपको इलास्टिक लगाने में ज़्यादा आसानी रहेगी। इलास्टिक लगाने के बाद इलास्टिक को हमें इस प्रकार से खींच लेना है जिससे कि हमारा जो पैंट का गैदर्स है वो बराबर से आ जाए। उसके बाद बीच में भी मैं इस प्रकार से इसमें सिलाई चलाऊंगी। तो इस तरीके से हम पीछे की साइड से खींचते हुए और आगे की तरफ से भी खींचते हुए हम इसको स्टिच करेंगे और बीच में सिलाई चलाने से हमारी इलास्टिक अच्छे से बैठ जाती है। अगर हम सिलाई नहीं चलाते हैं तो इलास्टिक हमारी मुड़ने लगती है वेयर करने पे। तो इस तरीके से देखिए पैंट की स्टिचिंग हो चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसका फाइनल लुक और ये देखिए ये इस प्रकार से आया है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।